What's up, stretch boys? Arun, welcome to today's episode of Make Scratch by Sex. Yes, that's right. And today we'll be listening to the introduction to the Gorilla Bounce by King. अब देखो, ये जो है, पहली बात मैंने एक बार देख रखा है और जो एक्चुअल स्टोरी मैं बताता हूँ, जो लोग मतलब पीपल हु आर सब्सक्राइब टू मी, जो मेरे फैम के पार्ट है, उन लोगों को पता है कि मैंने अभी अभी जस्ट किंग का जो पिछला एल्बम था द कार्निवल, उसको पूरा बाइसेक किया एंड वी लिसन टू द होल थिंग टुगेदर. सो बहुत दिनों से मेरे को सब बोल रहे थे कि यार सुनो सुनो सुनो, बट समहाउ आई फेल्ट लाइक आई डिडंट लिसन टू किंग. ऑलराइट, मैंने सुना नहीं था कभी. एंड ये अचानक से आया था ना, एंड आई आउट ऑफ नोवेयर मैंने टैप किया ये वीडियो यूट्यूब पे, व्हेन इट केम अप ऑन माय फीड, जिस दिन ये आया था वीडियो इंट्रोडक्शन, सो आई चेक दैट आउट. और वो ये क्लिप मेरे को देख के इतना मेरे को याद है कि मेरे को इतना याद आया था कि आई नीड टू चेक दिस आर्टिस्ट आउट मैन, बिकॉज ही इज डिफरेंट. ही बहुत बहुत अलग लगाता है. एंड आफ्टर वी हैव चेक्ड आउट कार्निवल, जब मैंने पूरा एल्बम चेकआउट किया पिछला वाला, आई अंडरस्टूड मैन वी हैव टू फॉलो दिस आर्टिस्ट, क्योंकि इसमें कुछ तो अलग बात है. सो गोरिल्ला बाउंस द न्यू एल्बम, अब इस एल्बम का पहला ट्रैक आज ड्रॉप हो चुका है. सो इसलिए मेरे को लगा यार पूरा जर्नी जब मेंटेन कर दे, कार्निवल पूरा हमने सुन लिया तो गोरिल्ला बाउंस का जो इंट्रोडक्शन है वो सुनेंगे, एक साथ देखेंगे, उसके बाद आगे जाके हम जो एल्बम है उसको पूरा कवर अप करेंगे एंड विल लिसन टू इट फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल लाइक वी यूजुअली डू. ये मैंने पहली बार सुन लिया था, देख लिया था वीडियो, इसलिए क्योंकि तब उसके पहले मैंने किंग पे वीडियो बनाए भी नहीं थे एंड आई डिड नॉट फील लाइक आई कनेक्टेड टू द आर्टिस्ट. पर अब कार्निवल सुनने के बाद, यू ऑल नो इफ यू हैव वॉच द लाइक द एल्बम रिव्यू दैट आई हैव डन, यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो विदाउट फर्दर डू, वी आर गोना जंप स्ट्रेट इनटू इट. दिस इज बिग स्क्रैच बाय सेक्स एंड वी आर लिसनिंग टू द इंट्रोडक्शन टू द गोरिल्ला बाउंस बाय किंग. लेट्स गेट इट. अब चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं. आई रिमेम्बर कि इसमें कुछ इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू की बात है मुझे ढंग से याद नहीं है. पर या मैन, आई डोंट इवन नो कि ये एल्बम रिलेटेड हो भी सकता है कि नहीं कार्निवल के साथ. बहुत लोग थियरीज दे रहे कि समहाउ इट विल फिनिश द स्टोरी टू द कार्निवल, बट आई डोंट नो. ओके, द क्राउन ऑफ ट्रस्ट लॉस्ट माय स्टोरीज दिस टाइम. परफेक्ट. सो बेसिकली अच्छा वो चाय कैसी लगी? काफी अच्छी, जैसी मुझे पसंद है. परफेक्ट, प्लीज कंटिन्यू. सो चाय, टेलिंग अस अबाउट योर शोज. या शोज, हां राइट. सो अभी परसों ही हाल फिलहाल में हुआ है, परसों ही अल्मोड़ा. सो ही हैज गॉट अ गोल्फ बॉल इन हिज हैंड. आई लाइक द वे कैसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम घुस रहा वीडियो के अंदर, बिकॉज इट्स किंग मैन एंड नाउ आई नो व्हाट इट मींस टू मी. एंड उसके हाथ में एक गोल्फ बॉल दिखा मेरे को, चाय के बारे में बातें कर रहा है एंड देयर इज अ लीफ जिसमें दवाइयाँ रखी हुई है. And he has also got a glove. Music festival, that was fucking amazing. And that's one of my favorite. Yeah. The Almoda Music Festival. Yes. That was in 2019, I guess. October? Really? Was it? Yeah. Parso, one minute. Has he lost track of time? The Almoda Music Festival. So, अभी परसों ही हाल फिलहाल में हुआ है, परसों ही अल्मोड़ा म्यूजिक फेस्टिवल, दैट वाज फकिंग अमेजिंग एंड दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट. या द अल्मोड़ा म्यूजिक फेस्टिवल. यस, दैट वाज इन 2019 आई गेस, अक्टूबर. परसों तो नहीं था. वाज इट? या आई थिंक यू आर राइट. हाथ में इतने सारी दवाइयां ले रहा है, ही इज लाइक आई थिंक यू आर राइट. या So he's totally lost track of time. उसको पता भी नहीं है कब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. मैं बहुत देर से पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ. तो please continue. Anyways, एक बात बताइए, आप यहाँ रानी खेत में हैं, बड़ा ही लोग ही lifestyle follow कर रहे हैं, किसी से नहीं मिलते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, no information at all. In fact, Carnival जैसे album की success के बाद, by the way, congratulations. Carnival का हर गाना million club hit कर चुका है. Y'all know what a ride it was, bro. If you have went to the carnival, if you have been to the carnival with me, y'all know what kind of a ride it was, bro. So, of course. I remember this. Full zone out. और जंगल में कहीं पे होता है शायद इसके बाद वो. Full zone out. भाई ये transition ना जो hit किया था मेरे को जब मैं पहली बार देखा था, I was like, what the hell? So, ये चेयर पे बैठ के अभी इंटरव्यू के टाइम में वहां बैठ के बेसिकली वो ये सीन देख रहा है. He's in a forest, there's a girl and a guy, दोनों के यहां पे क्रॉसेस थे,
गोरिल्ला बाउंस, आई एम श्योर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई द नेम इज, व्हाई द एल्बम इज नेम सो. पर हाँ, दोनों के यहाँ पे वो क्रिश्चियन जो क्रॉस है वो लगा हुआ है. एंड भाई जो भी इंस्ट्रूमेंटल पीछे चल रहा है, इट इज गिविंग मी चिल्स. कैमरा वर्क ब्रो, द कैमरा वर्क हैज इम्प्रूव्ड भाई यार, मैं क्या बताऊं अब. होने दो फिर मैं बताता हूँ, रुको भाई रुको रुको. ओहो, एंड शी इज नोटिंग इट ऑल डाउन. नाउ वी डोंट इवन नो इफ शी इज ये इंटरव्यूअर है या किंग की साइकेट्रिस्ट है, बिकॉज ही इज ओपनली टेकिंग द पिल्स इन फ्रंट ऑफ हर ऑल राइट. सो साइकेट्रिस्ट भी हो सकती है, बिकॉज शी थिंक्स दैट ऑल द थिंग्स दैट किंग इज डूइंग, अपने चेयर पर बैठा हुआ था, उठ के दीवार से सटा हुआ है पता नहीं क्यों. शी इज एक्टिंग लाइक ऑल दिस इज नेचुरल. ये नेचुरल है बिकॉज मे बी ये हर रोज देखती है, एवरी सेशन शी सिट्स विथ, शी सीज कि ये हो रहा है किंग के साथ. And he's lost in his own zone. King, he's lost in his own zone. अब वो जो लड़का लड़की है, I don't know, क्योंकि cheat करने के बारे में कुछ तो बोला नहीं था King ने Carnival में. So I don't know if this album is related to Carnival or not. वो भी हो सकता है कि वही लड़की है ये वही लड़की है लड़का जो भी, मतलब you all know what I mean. So मतलब speculate नहीं करूँगा मैं, अभी guesses नहीं मारूंगा, पूरा देखते हैं. Then we can, you know, without throwing arms इधर उधर, हाथ पैर नहीं मारते हुए हम लोग पहले ध्यान से देखेंगे, फिर we are gonna knit the story ourselves, all right? King, King. पूरा zone out, zone in भाई, और ये golf ball. तो I was asking कि आपका ये पूरा verb process देख के क्या हमें एक और hit album के लिए ready हो जाना चाहिए? Well, expectations make choices, और expectations make choices. I have no choice. अच्छा. Baby, if it's no risk, maybe it's no fun. Words. तो हम इसका क्या समझे? Okay. That laughter says all. I know आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे. अच्छा, tell me one thing. He's a very shady artist, though. उनके जो नाम होते हैं, वो काफी interesting होते हैं. I mean, बड़े eye catching से होते हैं. जैसे बदनाम राजा, I mean really, why would somebody do you see how frantic he is, मतलब because all this is scripted, I can already say कि it is actually a part of the script, he is making sure कि हमें ये समझ आए कि he is actually very frantic, सिर खुजा रहा है, ये जैकेट ठीक कर रहा है, फोन उठा रहा है, while all the while this girl is talking to her and look how irritated he is. Interesting होते हैं. बदनाम राजा, आई मीन रियली वाई वुड समबडी डू दैट, वाई वुड समबडी थ्रो डर्ट ऑन किंग्स नेम, यू नो, बदनाम राजा को बदनाम बेसिकली कोई क्यों करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन. सो यार, छोटी छोटी इंट्रिकेट डिटेल्स जो है ना इस चीज पे. नो, व्हाट इज लुकिंग एट, सच अ नाइस क्वेश्चन. और मैं हमेशा से एक्सपेक्ट करता था कि लोग ये पूछते वो पूछते, कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता, इवन लाइव आता हूँ ये क्यों एनए में कोई वैसा क्यों नहीं पूछता, बट थैंक्स टू यू ये वाला सवाल पूछ लिया. इसका आंसर बड़ा, मैं बड़े सिंपल शब्दों में देना चाहूँ कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मैं वो वाला आर्टिस्ट हूँ यार जो ना ट्रेंड से पिक नहीं करता चीजें, मैं शायद वो वाला आर्टिस्ट हूँ जो अपने अराउंड चीजों को फील करता है, तब उसमें से कई सारे शब्द निकल कर आते हैं. ये जो लाइन इसने यहाँ पे बोला, यहीं से मेरे को लगा था मैं आई एम गोना लिसन टू दिस आर्टिस्ट ब्रो, ही हैज अ डिफरेंट विजन, ही हैज अ डिफरेंट विजन फॉर आर्ट. तो ये कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई, जैसे ये देखिए, जैसे कोई फेमस पेंटिंग देख रहा हूं मैं किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट की, और देन पिकासो, मेरे दिमाग में पिकासो, एग्जैक्टली, ही इज वाचिंग अ स्केच, ही इज वाचिंग अ पेंटिंग बाय पिकासो, और अभी उसका जो गाना ड्रॉप हुआ है इसके बाद जो हम सुनेंगे उसका नाम है पिकासो ब्रो, आई एम हेला एक्साइटेड यार. और कभी कभी यूं ही कोई ना कोई खेल खेलते हुए बहुत सी चीजें हो जाती हैं. सो ब्लैंको, ब्लैंको इज द नेम ऑफ वन ऑफ हिज ट्रैक्स मोस्ट प्रोबेबली, वो तो BLANCO था शायद, एंड साइड में क्या लिखा हुआ भाई, लैपटॉप घुमा लूँ, ISCMN, इसका तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा, CM, जो भी है भाई, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है. I just feel things around, that's it.
और कई मरतबा ऐसा भी होता है जैसे मैंने नाम सोच लिया और फिर उसका मतलब मैं गूगल करता हूँ तो उसका मतलब निकल ही आता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एक फेमस पेंटिंग दिखाई जो कि पाब्लो पिकासो की थी। पाब्लो पिकासो, पिकासो, या सो पिकासो मेरे को काफी अच्छा लगा। एंड देन फिर उसके बाद सडनली सो इट्स ऑल अ वाइब टू किंग, इट्स ऑल अ वाइब भाई, इसका स्टाइल थोड़ा अलग है। सो इज लाइक He perceives all the things that is around him, और जो भी चीज़ वो perceive करता है like he just connects to things suddenly and bam the name of a song। मेरे को hit करा एक चीज़ जैसे कि मैं game ही खेल रहा था तो it says blanco। Blanco, but BLANCO नहीं था वो। But इसका एक मतलब है, blanco का मतलब होता है to be the number one। To be? But इसका एक मतलब है। क्या रुको भाई वॉल्यूम कम कर रखा है क्या मैंने? अबे यार कैसा बट इसका एक मतलब है, ब्लैंको का मतलब होता है टू बी द नंबर वन। फेल फेल 100। ओ हम एक और चीज कर सकते हैं, खुद सर्च करके देख सकते हैं। बिग ब्रेन टाइम, रुको भाई। BLANKO मीनिंग टू क्या? ब्लैंको मीन्स समथिंग दैट इज यूज्ड टू व्हाइटन बिल्ड्स। लांडा को समझ नहीं आया भाई। या सो टू बी द नंबर 1, या सेइंग इट ऑल ऑलरेडी, या सो एंड सो ऑन। वेल I'm getting what you're telling me. Yeah. I'm not. कर रही हूँ आपकी तरह सोचने की। जी जरूर। मैं भी अच्छी बात है, अच्छी बात है। Maybe I'll reach there someday. For sure. I mean, yeah. Oh भाई। For sure. For sure. Yeah. तो भाई। आपका जो next project है, जो हमें पता है, एक album ही होगी, because आप एक album artist हैं। You don't do singles. That's very clear to everybody. उस बारे में कोई argument नहीं। And what if मैं album ना निकालूँ? It'll be interesting to see. वैसे आपसे कुछ ऐसी चीजें expect करते हैं जो किसी से नहीं करते। थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए एक गाना। तो अगर आप album में निकालेंगे तो आप single निकालेंगे? नहीं, but अगर मैं single ही निकालूंगा तो मैं album जरूर निकालूंगा। it's hard for me to write only one song. जब भी मैं एक लिखता हूँ तो एक के बाद मेरे से गलती से दूसरा लिख जाता है। जब दो लिख जाता हूँ तो मैं भैया से गलती से गाने लिख जा रहे। ठीक है। One song, जब भी मैं एक लिखता हूँ तो एक के बाद मेरे से गलती से दूसरा लिख जाता है। गलती लिख जाता हूँ तो मैं EP गलती से तीसरा समझ नहीं आती मैं सही बताऊँ। हाँ हाँ। गलती से तीसरा लिख। दो लिख लेता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि तीन चार और लिख लेता हूँ। तीन चार के चक्कर। तीन चार दस बारह लिख जाता हूँ। 20-22 जब मैं दो लिख लेता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि तीन चार इसमें क्या लिख लेता हूँ। तीन चार के चक्कर में फिर आठ लिख जाते हैं। आठ नौ दस आठ नौ दस नहीं भाई आठ नौ दस क्या है इसमें 50-60 कभी कभार नींद से उठ के लिख जाता हूँ भाई। अब लिख जाते हैं 8-9-10 but we really appreciate this। ठीक है भाई। We see कि मैं ठीक हूँ। को एक सिंगल गाना ही क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगती है and here you are dropping albums after albums। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आप जैसे लोग हैं जिनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक गाना बनाने में। True that's like और वो भी बिना डिस्क के। And you see this oh no इसमें That's the sound of a monkey or a gorilla most probably. So in the album, how many tracks will there be? Stress mat do bhai. A past not forgiven and Okay. Now the beat has got bounce already, see? An album by King.
Drop it. Picasso, Blanco, salute. Godfather, all right. Hi, Hukku. DC, Dan Bilzerian, oh my God. Shamil, Cuckoo, Cuckoo, exactly. Cuckoo. Feat Jazz and ASAP. Shamil featuring Harjas. Features, all right. All right. I want to see how he collaborates with another artist and maintains the storyline. Let's go. Let's connect again. कलर पैलेट चेंज हो चुका है, सब हरा हरा है. 10th which is today, so next we are going to listen to Picasso. भाई यार, I guess that's the end of the video. Yeah, it is. तो जितना क्लूज हमें इससे पता चला भाई. सो भाई जल्दबाजी करते हुए सीधे आएंगे अगले ट्रैक पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अब इस बार एक साथ जर्नी मेंटेन करना है, फॉलो करना है, मिस नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. This is Big Scratch. अगले गाने पे आते हैं. बचपन से बहुत प्यासा, बचपन से बहुत प्यासा. मेहनत की बहुत ज्यादा, मेहनत की बहुत ज्यादा. छुआ मैं रॉक बॉटम, बिस्तर को नोचता था. वक्त नहीं पर हौसला था, गिरने का खौफ ना था, डरने का स्कोप कहाँ था. अंधे